जी आप लोगों को एक तो आप हैंडलोर करें ना, नीचे करें। हाँ हैंडलोर करें जी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? आई थिंक एक दो लोग बताएं ताकि मुझे ये तो कंफर्म हो ना। ओके फाइन, आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा क्या आपको प्रीवियसली जो हमने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें कोई क्वेश्चन करना है आपको तो हैंड रेज करें। जी मैं आपका आपको अलाउ कर रहा हूं माइक ऑन करना। जी आप, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जब क्वेश्चन लिखाता है तो उसपे नहीं वो पूछता है था कि रेशो करो या प्रोपोर्शन के साथ करो, तो मैं किस तरह पता नहीं चलेगा तो कि हमने ये क्या रेशो, प्रोपोर्शन। रेशो क्या करती है? रेशो तो सिर्फ दो क्वांटिटीज का आपस का कंपैरिजन करती है। जी सर। जी प्रोपोर्शन में तो अब आपको समझ आनी चाहिए कि दो चीजें आ रही हैं ना, एक टाइम आ रहा है, एक वर्ड्स आ रहा है। तो ये तो नहीं आपको बताएगा, नेवर। ये तो आपने खुद टूल सिलेक्शन करनी है कि जी मुझे इस जगह पर क्या कंसर्न है। इस जगह पर देखें जो प्रीवियसली क्वेश्चन है वो तो नहीं कि आपको कहते इस पर रेशो करो भाई। वो तो कभी भी किसी भी की जगह पर नहीं आपको बोलेगा, वो कहेगा ये क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन कैसे करना ये आप पर डिपेंड करता है। अब देखें प्रपोर्शन की क्या चीज हम पढ़ी थी, इसमें फर्ज करें यही क्वेश्चन है तो इसमें तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन का आपस का रिलेशन चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन जब आप बात करते हो कि दो चीजों का कंपैरिजन है, दो रेशोज हैं। अब दो रेशोज कैसे हैं? दो रेशोज इसलिए हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपने वर्ड टाइम्स की रेशो फाइंड आउट करनी है, वर्ड टाइम्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो वर्ड टाइम्स की रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि जी कितने वर्ड्स उससे ज्यादा काम करना है। तो ये इसकी रेशो से पता चलेगा, हाउ मेनी वर्ड्स उसको ज्यादा टाइप करने हैं। आप कहें जी चूंकि ये रेशो है, जितने जितनी रेशो जितना काम जितने वर्ड्स उसे यहां पर ज्यादा काम करना है, हम उतने ही टाइम उसका जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो ये प्रपोर्शन से एक्चुअली होगा ना। प्रपोर्शन क्या है? इक्वेलिटी ऑफ टू रेशो। जितना काम आपको ज्यादा करना है एट द सेम टाइम आप उतना ही टाइम जो है वो उसको ज्यादा कर देंगे। तो देन हमें आइडिया हो जाएगा कि ये है। वो तो किसी मैथ्स के या स्टैट्स के किसी भी प्रॉब्लम में आपको टूल का नाम नहीं बताएगा, यूज द रेशो। तो फिर पढ़ने का क्या फायदा हुआ? हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि जी ये रेशो से करना है या प्रपोर्शन से करना है। वो हमें हमें टॉपिक अगर हम लफ्ज बोलते ना समझ आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सॉल्व करना आ गया। हमें ये पता चल गया कि इस टॉपिक का पर्पस क्या था। तो पर्पस रेशो का होता है जब सिर्फ दो क्वांटिटीज का आपस का कंपैरिजन रिक्वायर होता है। प्रोपोर्शन दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करके वही कंपैरिजन आपने दूसरे पर इंप्लीमेंट करना है। वर्ड्स का कंपैरिजन कर लिया कि कितना काम ज्यादा करना है, इंप्लीमेंट कर लें टाइम भी उतना ही ज्यादा कर दें तो हम उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि आपको वो बताएगा कि आपने क्या काम करना है। ये आपने डिसाइड करना है कि ये इस प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। जी अब्दुल रहमान अपना माइक ऑन करें और बताएं मुझे। अब्दुल रहमान सर, जो आपने क्वेश्चन एग्जांपल 17 क्या आपने होमवर्क में दी थी एग्जांपल 17 थी क्या, थोड़ा सा मुझे बताएं। सर उसको हमने जब मैंने सॉल्व किया है ना, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है और एग्जांपल जो सॉल्व किया है वो डिफरेंट आंसर आ रहा है। अच्छा मैं चले, दो तीन दफा चेक किया लेकिन फिर भी मतलब मैं सही किया लेकिन आंसर बहुत चेंज है। अच्छा चले मैं उसे चेक करता हूँ, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका प्रॉब्लम है सर। आंसर का, ठीक है। ओके यस सर। जी ठीक है, अपना माइक ऑफ करें। जी जैन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर वो मैंने ये पूछना था, वो फिशेस वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने बस आपकी उसकी इंटर उसकी आपकी स्टेट बस आपकी इंटरेस्ट के लिए रखा था बस। सर उसकी स्टेट है, स्टेटमेंट में लिखा है कि 96 उन्होंने टैग करके रिलीज कर दी। जी तो सर वो 96 भी तो नोन ही है, वो भी हमें पता है कि 96 पहली दफा उन्होंने पकड़ी है। एक मिनट मैं बुक पकड़ लूं जरा।
जरा आप लोग पेज नंबर 6 पे जाएं, पेज नंबर 6 की टॉप पे, एट द टॉप ऑफ द पेज 6 गए आप लोग जी? जैन सर, पेज 6 की टॉप पे जाएं, जहां सॉल्यूशन लिखा हुआ मैंने, तो देखें ये पता ही है टैग फिश। अब क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने एक आइडिया, मैं आपको बजाय इसके कि पूरी स्टेटमेंट पढूं, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको इसका बता देता हूं कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। कंसर्न था कोई फिश पाउंड है, उसमें टोटल फिश कितनी है, कहता जी ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी वो उसमें कोई पॉइजन डालें, वो तैर के ऊपर आ जाएं और फिर गिन लें जी कितनी है। कहता है ऐसा कैच करके गिनना तो मुश्किल है। तो उसने कहा है कि आप क्या करेंगे, आप कुछ फिश पकड़ लें किसी भी नंबर में। अब उन्होंने फर्ज करें 90 फिश पकड़ी ना, 96, और उनकी टैगिंग कर दी। अक्सर आपने देखा होगा ये नेशनल ज्योग्राफिक में या इस तरह से भी, वो बर्ड्स वगैरह पकड़ते हैं तो उनके ना परों के ऊपर वो सेंसर से लगा देते हैं, वो कंप्यूटर सेंसर होते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि ये बर्ड्स कितनी हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है, कितनी देर जिंदा रहा है, ऐसे करके ना कुछ, तो डेटा उनका ऑटोमेटिकली है। तो यहाँ पर ना टैग कहता लगा दे, तो 96 फिश को उन्होंने टैग कर दिया, ठीक, और देन उन्हें पॉन्ड में दोबारा छोड़ दिया। कहता जी फिश की हैबिट ये है कि ये दूसरों के साथ मिक्स होके रहती हैं। कुछ बर्ड जैसे क्रो है, क्रो आपने नहीं देखा होगा कि बड़े फ्रीली मुख्तलिफ बर्ड्स के साथ जो आपने उड़ते नहीं देखा होगा, वो फ्लॉक में वो अपने ही कम्युनिटी में उड़ते हैं। तो फिश की कहता आदत होती है वो मिक्सअप हो जाती है। तो ये ना आप समझें कि जो टैग फिश है वो जाके अलहदा ही रहेंगी, तो वो सारी सारी फिश के साथ मिक्सअप होगी, दैट्स फाइन। तो 96 टैग फिश आपने लगा दी। कहता जी अब दोबारा एक नेट लगाया आपने, और आपने देखा कि उस नेट में टोटल जो फिश कैच हुई हैं, टोटल फिश वो 72 हैं। अब उसमें टैग भी होंगी और विदाउट टैग भी होंगी, तो टोटल फिश जो पकड़ी गई हैं सैंपल के तौर पे जो टोटल फिश उन्होंने दोबारा नेट लगा के कैप्चर की हैं, वो आपके पास आ रही हैं 72। और नोट करें कि उस 72 जो फिश पकड़ी है उसमें टैग्ड फिश कितनी थी, यानी कि कितनी उसमें ऐसी फिश आ गई जिनके ऊपर वो उनका, ये तो वो फिश है जो हमने टैग की हुई थी, तो लाजमी तो नहीं है ना कि जितनी भी टैग की होंगी वो सारी पकड़ी जाएं। वो उन्होंने टैग किया, छोड़ दिया, दोबारा फिश पकड़ी, देखा जो 72 फिश पकड़ी थी उसमें टैग था। अब उन्होंने गेस करना है कि 72 फिश में से तो 4 टैग फिश आती हैं। अगर हमारे पास पूरे पॉन्ड में 96 टैग फिश हो तो टोटल फिश बनती कितनी, कितनी अंदाजा लगाएं कि कितनी किस्में टोटल फिश होंगी। अब देखें जितनी ज्यादा फिश पकड़ेंगे आप उसके अंदर टैग्ड फिश आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है ना। फर्ज करें पूरे पॉन्ड में आपके पास 96 टैग फिश हैं और आप एक फिश पकड़ो तो शायद चांस कम है कि वो टैग हो, लेकिन अगर आप 100 फिश पकड़ो तो ज्यादा चांसेस है ना कि उसमें कोई ना कोई टैग फिश आ ही जाएगी। तो जितने ज्यादा फिश पकड़ी जाएंगी उतने ही ज्यादा टैग फिश आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो फिश जितनी ज्यादा पॉन्ड में होंगी, अगर वो ज्यादा आप कैप्चर करोगे, ज्यादा फिश आप पकड़ोगे, तो फिर ज्यादा टैग फिश आने के उसमें चांसेस ज्यादा है। इधर उसने 72 पकड़ी है फैश, आप 672 फिश पकड़ लें, तो चूंकि ये ज्यादा फिश पकड़ी है तो उसमें जो टैग फिश है वो उसमें ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये डायरेक्ट आ गई, तो आप एक्स वर्सेस 72 प्रोपोर्शन 96 वर्सेस 4, तो ये 4x विच इज इक्वल टू 96 इंटू 72 एंड देन एक्स आ जाएगा 96 इंटू 72 एंड डिवाइडेड बाय 4 जी। इसका आंसर आप कह रहे थे 17 में, हल इसके आंसर का प्रॉब्लम है, मैंने बहरहाल इधर ठीक किया हुआ, लेकिन आपको ढूंढ क्या आंसर आ रहा है, किसने आइडेंटिफाई किया था कि 17 का आंसर ठीक नहीं है? अब्दुर्रहमान जी आप बोले क्या आंसर आपका? जी सर, मैंने जो कैलकुलेट किया है ना, मेरा आंसर आ रहा है 1728 जी, यही ठीक है मैंने, लेकिन बुक आपके एमसीक्यूज में आंसर है 1968। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली उसने नोट्स मुझसे पूछे नहीं है, और एक दो जगह ना मैं वो करेक्शन करवा दूंगा, वो करेक्शंस थी तो
मैंने अपने नोट्सों में तो रफली की हुई थी, लेकिन मैंने उन्होंने आपको दे दी, आप करेक्शन कर ले। बहरहाल प्रोसीजर प्रोसीजर ये है। और ये मैंने आपको कोई देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल भी कहा था कि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट के लिए जरूर है कि जी ये क्या है। इससे एग्जैक्ट नहीं, ये नहीं आप कहेंगे कि एग्जैक्ट इतनी ही होगी, दैट इज 1728, तो ये राउंड अबाउट इतनी ही होगी, ठीक है ना। तो एक गेस वर्क के तौर पर, ये फिशरीज डिपार्टमेंट है तो गेस वर्क के तौर पर वो ऐसा करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उनको टैगिंग कर देते हैं, टैगिंग करके दोबारा छोड़ देते हैं, फिर वो रिकैप्चर करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने इतनी पकड़ी, इतनी टैग डाई, हमें इतना तो पता ना कि पूरे पाउंड में टैग फिश कितनी है, तो कहता जी उससे गेस करने। जस्ट लाइक कल जैसे एग्जाम्पल दी थी एक्चुअल हाइट शेडो, अब चूंकि एक्चुअल हाइट का शेडो की मेजरमेंट करते हैं वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, तो इसलिए हाइट भी आपको एग्जैक्ट ही उसमें से मिल जाती है। लेकिन यहां पर चूंकि आपको आइडिया नहीं है, आप कहेंगे हो सकता है 70 फिश टू फिश ले तो क्या हर दफा 4 टैग ही आएंगी। हाँ, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि हर दफा लाजमी तो नहीं है कि हर 72 फिश में से जरूर 4 टैग फिश ही पकड़ी जाएंगी, इसकी वजह से हम कह रहे हैं ये आपको अप्रोक्सीमेटली जो है वो आंसर देते हैं, ठीक है जी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जी। मुनीबुर रहमान अपना माइक ऑन करें और पूछे मुझसे क्वेश्चन। No, उसने वैसे ही हाँ जी सॉरी सर वो गलती से नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा मुझे बता दिया करो कि ये मिस्टेक से, मैं ऐसे कंफ्यूज होता रहता हूँ कि शायद आप तक आवाज नहीं मेरी पहुंच रही, तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम जी। जैन आपका स्टिल हैंड है, आपने कोई क्वेश्चन करना या प्रीवियसली आपका हैंड रेज है? जैसे क्वेश्चन आपका खत्म होना दो काम किया करें, माइक ऑफ, हैंड रेज खत्म, चले ठीक है, शुक्रिया जी। एनीवन एल्स, कोई किसी ने और कोई इसके रेलेवेंट, और आइडिया क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना। ये एग्जाम में इतना आप कहें एग्जाम में आ गया नो वन, इस तरह का मुझे बायोलॉजी की बुक में मिला। यूनिवर्सिटी में तो हम लोग पढ़ाते हैं, जब हम अपने स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, तो उनको हम इनकी एप्लीकेशंस करते हैं। लेकिन आप चूंकि है तो मेरा आइडिया था कि चले आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक चीज मुझे मिली है तो मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो आप लोगों के लिए कम अज कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट में भी और इसके बाद के आने वाले जितनी देर तक आखिर तक टैक्सेशन आपने करनी है। अभी भी वो यहाँ पर जो टीए हैं कजूम साहब जो आपको वो भेजते रहते हैं अपना व्हाट्सएप मैसेजेस, वो कहते हैं जी ये परसेंटेज तो आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और आप समझते हैं कि ये परसेंटेज तो कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, एक्चुअली आप ना परसेंटेज के सिर्फ और सिर्फ एक फीचर से फेमिलियर हो, सिर्फ एक फीचर से, जबकि इसके तीन मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं। तो इसलिए आपने इस चीज को इम्पोर्टेंटली समझना है, और मेरा आज का काम सिर्फ इतना ही होगा कि मैं आपको प्रॉपरली परसेंटेज समझा सकूं। चलें जी, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड परसेंट मीन हंड्रेड, वो यूज द सिंबल परसेंट टू एक्सप्रेस द वर्ड परसेंट। तो ये इससे हम फेमिलियर है कि जब भी हमने परसेंट का वर्ड लिखना हो तो हम एक्चुअली परसेंट का वर्ड नहीं लिखते अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में, जस्ट हम उसका जो सिंबल है परसेंट का वो हम कहता है जिसको, और परसेंट से मुराद आउट ऑफ हंड्रेड कह लें, तो इससे हम फेमिलियर है। फॉर एग्जाम्पल 17% मीन्स 1700, एंड वी कैन राइट इट एज परसेंटेज सिंबल एज अ फ्रैक्शन 17%। देखिए जब भी आप किसी भी नंबर के साथ, फर्ज करें ये मैंने ऐसे लिखा हुआ 0.17, अगर आपने इसको परसेंटेज सिंबल अप्लाई करना है, जब भी आप इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर के साथ परसेंटेज सिंबल अप्लाई करेंगे, जब भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आप एक्चुअली उसके साथ परसेंटेज सिंबल जो है वो अप्लाई करोगे। इसके रिवर्स, परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है, आप कहते हैं जी इस परसेंटेज सिंबल को रिमूव करना है, तो फिर आप इस परसेंटेज को उसके रिवर्स कर दोगे, तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स जो है वो डिवीजन होता है, वी गेट द सेम आंसर। तो मल्टीप्लाई विद 100 वी कैन पुट द परसेंटेज सिंबल विद इट, एंड इफ वी वांट टू रिमूव द परसेंटेज सिंबल then divide that number by 100. अब actually इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि फर्ज करें उसके 17% नंबर हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वो
100 मार्क्स का पेपर है, आउट ऑफ 100 ये अगर किसी के नंबर है, ही गॉट 17 मार्क्स। परसेंटेज का मतलब यही है ना, आउट ऑफ 100 तो हम बोलते नहीं है, हम सिंपली कह देते हैं 17% नंबर आ गए, तो कहना जी कितने में से, तो जरूरत नहीं है, मीन्स 100 पढ़ रहे हैं ना, द वर्ड परसेंटेज मीन्स 100। हाँ, इसका मतलब क्या है, ये 0.17 का क्या मतलब है, ये आउट ऑफ 1 है। अगर एक नंबर का पेपर है तो उसने 0.17 मार्क्स लिए हुए, अगर वो एक नंबर का पेपर है, ही गॉट आउट ऑफ 1 मार्क ही गॉट 0.17 मार्क्स। और ये तो इस तरह से तो हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल और समझना भी मुश्किल, तो हमारी हैबिचुअल आदत होती है जी 100 से जरा देख के जरा परसेंटेज में बताओ, सिंपल 17%, हाँ ये ठीक है, फौरन हम लफ्ज बोलते हैं ये ठीक है। एक रीजन कि जी परसेंटेज चूंकि वो आउट ऑफ 100 हो जाता है तो शायद हमारे लिए ज्यादा ईजी है। अब इसकी परसेंटेज की कम अज कम दूसरी रीजन क्या है, क्यों हमें परसेंटेज करें, फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, उसने दो पेपर दिए, पेपर वन और पेपर टू, टोटल मार्क्स इस पेपर के थे 150, टोटल मार्क्स जो इस पेपर के थे वो 150 जो है वो इस पेपर के टोटल मार्क्स जो थे वो आ रहे, और दूसरे पेपर का जो टोटल मार्क्स है या दूसरा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का उसका पेपर। अब मार्क्स ऑब्टेन की बात करें, मार्क्स ऑब्टेन इस पेपर में उसके 141 मार्क आए, इस पेपर में उसके 141 जो मार्क्स हैं वो 74 लाइक। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसके पेपर वन के मार्क्स ज्यादा हैं या उसने पेपर टू में मार्क्स ज्यादा लिए हैं, उसमें उसके 144 है, 141 है और दूसरे पेपर में उसके 74 है, तो शायद हम जल्दी से कहें 141 इज अ मोर मार्क्स देन 74। हाँ, नंबर में तो ठीक है, 141 इज अ बिगर नंबर एज कंपेयर टू 74 इज अ ट्रू, लेकिन देखे तो सही को 144 मार्क्स है तो टोटल भी तो 150 है ना, ऑलमोस्ट उससे डबल मार्क्स का पेपर हो रहा है, and if he got 74 marks but out of 80, ये तो बड़ा इसमें अच्छे नंबर लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कंपैरिजन हमें करना चाहिए, डायरेक्टली तो नहीं ये कह देना चाहिए कि जी चूंकि 141 जो है वो ज्यादा बड़े नंबर हैं तो आप उसको कह दें कि जी कि ये इस तरह से है, तो फिर इसका वे क्या है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ऑल्दो वो 50 मार्क्स का पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है, आप उसे भी कहें ये 100 मार्क्स का ही पेपर है, ऑल्दो वो 80 मार्क्स का पेपर है उसे भी कहें ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप क्या करते हैं, मतलब ये रूटीन है आपकी ना, आप कहते हैं जी परसेंटेज बताएं जरा, इसके लिए हम इसलिए परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि दोनों के लिए हम आप समझते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 100। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं तो ये आंसर आता है 0.94 आउट ऑफ 1 पार्ट ओवर द होल क्वांटिटी, यानी कि किसी एक का पोर्शन डिवाइडेड बाय द होल नंबर, तो जो आंसर आपके पास आता है उसे हम उस आंसर को कहते हैं ये आउट ऑफ 1 है। और हमने पढ़ा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 वी पुट अ परसेंटेज हियर, तो इसके बाद हम कहेंगे आउट ऑफ 100, तो फर्स्ट पेपर में उसके 94% नंबर है, यानी कि वो 100 नंबर का पेपर है तो उसके 94 मार्क्स हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड वन, 74 एंड डिवाइडेड बाय 80, अगर 74 को आप 80 से डिवाइड करते हो तो आंसर आ रहा है 0.925, और देन अगेन परसेंटेज में से ले जाएं तो 92.5% नंबर जो है वो इसमें उसने लिए हुए हैं। अगर अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसने 92.5, अब भी आप कह सकते हो ठीक है उसके उसके फर्स्ट पेपर के ही नंबर बेहतर हैं, फर्स्ट पेपर के ही नंबर ज्यादा हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, देखे ना इधर तो लग रहा था ये जो उसने तो ऑलमोस्ट डबल नंबर लिए हैं उस सब्जेक्ट में पेपर वन में, जबकि ये बता रहा है कि जस्ट 2 or 3 मार्क्स जो है उसके पेपर के स्लाइडली बेहतर है। ये वो टेक्निक है
जिसकी वजह से हम कहते हैं जी कि, और बड़ी है तो बड़ी सिंपल, लेकिन अख्तर कंपैरिजन करना और लोगों को, बच्चों को एडमिशन देना है टोटल नंबर की बेस पे, तो कोई कहता जी मेरे तो टोटल 800 थे, कोई कहता जी मैं बीकॉम करके लाइक आया मेरे तो टोटल 1100 थे, एक कहता जी मेरा टोटल 1500 है, तो फिर तो कैसे डिसाइड करेगी किसके ज्यादा है। तो हर एक को वो परसेंटेज में ले जाते हैं, मीन्स क्या समझते हैं, हर हर पेपर हर बच्चे का टोटल 100 में से आएगा। तो अब हम कह रहे पेपर 100 मार्क्स का था तो उसके 94 मार्क्स, पेपर 200 मार्क्स का है तो उसके 92.5 मार्क्स, तो उसके पेपर 1 में मार्क्स जो है वो पेपर 2 की निस्बत जो है वो ज्यादा है। ये वो परसेंटेज का एक यूज है, एक यूज मैं लफ्ज बोल रहा हूँ जिससे आप लोग फेमिलियर है और आप लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जब आपको कह दिया जाता है परसेंटेज बताएं तो आप कहते हैं कितने नंबर हैं जी, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, वो आउट ऑफ 1 और मल्टीप्लाई कर दिया आउट ऑफ 100 से। अच्छा एक और इसका बेनिफिट देखें, चले आउट ऑफ 1 बड़ा, वो कहते हैं ना अकाई से ही सारा काम शुरू होता है, तो इसका भी बहुत ज्यादा इसके हम बेनिफिट्स जो हैं वो इससे जो है वो ले सकते हैं, अकाई से ही अगर काम शुरू होता है तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हम ले सकते हैं। लाइक फर्ज करें कि कोई टीचर था, उसने मार्किंग की है और टोटल जो मार्क्स थे वो 25 मार्क्स का पेपर था और उसमें उसने 20 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन मार्क्स हैं स्टूडेंट के, पेपर मार्क करके उसे दे दिया, और ये एक नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट थे और हर एक के, किसी के 18 आ रहे हैं, किसी के 21 आ रहे हैं, किसी के 16 मार्क्स, बट आउट ऑफ 25 एंड सो ऑन। अच्छा जब वो सारा कुछ उसने वाइंड अप कर दिया है तो उसने जब चेक किया या उसको बाद में आइडिया हुआ उस टीचर को कि उससे तो एक बेसिक मिस्टेक हुई है, और बेसिक मिस्टेक ये हुई है कि एक्चुअली वो पेपर 25 नंबर का नहीं था, वो पेपर ही 30 मार्क्स का था टोटल, और मैंने गलती से उसको 25 समझते हुए पेपर मार्किंग कर दी। अब जिस बच्चे के 20 नंबर हैं वो 25 में है, 30 में नहीं है, वो तो 25 में है, 18 नंबर 25 में से है, 21 नंबर 25 में से है, जबकि उसको तो 30 में से होने चाहिए थे। अब वो टीचर कहेगा वो मेरा तो काम बहुत ज्यादा हो गया, लाइक मैंने 150 पेपर मार्क कर दिए 25 के हिसाब से, अब मुझे दोबारा मार्क करने हैं लेकिन इस दफा 30 के हिसाब से। देखें नो नीड टू डू रीमार्क द पेपर, आप कन्वर्ट करें उसके, आपको तो नंबर ही चाहिए ना, 25 में से 20 नंबर हैं उसके, ठीक, तो आप क्या करें 20 डिवाइडेड बाय 25 कर, जब आप 20 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये उस बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे जो के आउट ऑफ 1 होंगे, तो ये उस बच्चे के 1 में से 0.8 नंबर आए। अगर वो 1 मार्क्स का पेपर, 1 नंबर का पेपर होता, 1 नंबर का, तो उसने उस पेपर में 0.8 मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। लेकिन अब आप कहें जी इसके बाद 100 से ही मल्टीप्लाई करें, तो क्यों 100 से करें, ये अगर आउट ऑफ 1 है, आउट ऑफ 1, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो ये बन जाएगा आउट ऑफ 30। भाई जिससे करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आउट ऑफ 100 तो उसके 24 नंबर, तो बस 20 के 24 कर दे। तो आप कहें जी चूंकि आपके 25 में से 20 नंबर आए थे तो ये 30 नंबर का अगर पेपर होता तो उसी हिसाब से आपके 24 नंबर बनते हैं, तो देन इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट कर ले, ये बन गया आउट ऑफ 1 multiply with 30, it becomes out of 30. अब हमारे भी उधर यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं तो एक्चुअली उनके ना नंबर्स डिफरेंट होते हैं। लाइक हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें हम GPA कहते हैं उसको, ग्रेड पॉइंट एवरेज, GPA, उसमें बच्चे पेपर देते हैं, कोई 100 मार्क्स का पेपर होता है, कोई 4 कोई 60 मार्क्स का पेपर होता है, किसी के 20 होते हैं, किसी के 40 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन जब हम बच्चों के फाइनल आंसर डिक्लेयर करते हैं तो हम हर पेपर के नंबर को आउट ऑफ 4 मार्क्स कर देते हैं, आउट ऑफ 4, और देन हम उसकी GPA, तो बच्चों के नंबर फाइनल जब रिजल्ट होता ना, अक्सर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछेंगे आपकी GPA क्या चल रही है, That is the grade point average क्या चल रही है, तो वो आपको आंसर देगा जी मेरी 2.87 है, या वो कहेगा जी 3.18 आ रही है, 3.14 आ रही है, इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे, कहेंगे ये 3 point क्या है, that is GPA है, तो आप इसको समझेंगे that is out of 4, तो हम भी यही करते हैं सारा कुछ करने के बाद यहां 30 की बजाय हम 4 से मल्टीप्लाई करके कह देते हैं चले जी आपके सारे नंबर आउट ऑफ 4 चले गए। ये क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में
ऑल टूगेदर इंटरनेशनली भी ऐसे चल रहा है कि आप आउट ऑफ फोर या सम टाइम कायदे आजम में आउट ऑफ फाइव था लेकिन अब वो भी आउट ऑफ फोर पे चले गए। तो ऑलमोस्ट हर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सेमेस्टर में इंटरनेशनली भी तो उनका जीपीए चलता है वो आउट ऑफ फोर चलता है। तो कैसे कन्वर्जन होती है, पहले आउट ऑफ वन जितने भी नंबर का पेपर है आउट ऑफ वन और देन मल्टीप्लाई। अब बताएं जी किस में कन्वर्ट करना, फोर में करना फोर में कर देते हैं, हंड्रेड में करना हंड्रेड में कर देते हैं। और टिपिकली जब हम हंड्रेड के साथ करते हैं तो साथ हम कह देते हैं कि जी हंड्रेड के साथ क्योंकि कर रहे हैं तो टिपिकली हम वर्ड बोल देते हैं कि जी ये आउट ऑफ हंड्रेड पे जो है परसेंटेज की फॉर्म में डेटा चले गया। तो एक आस्पेक्ट परसेंटेज का वो आपसे मैंने से, लेकिन एक्चुअली कंसिडर द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन। कौन से थ्री क्वेश्चन, ये मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं थ्री क्वेश्चन, वन टू थ्री। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए नीचे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, व्हाट इज 45% ऑफ 200। मैं पहले सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सेकेंड, 90 इज 45% of what number, what is 90 is what percent। तो यहां से आप समझ लें कि जिसके साथ मैंने what क्या तो वो पूछा जा रहा है। ऊपर भी एक चीज पूछी जा रही what is क्या है, नीचे भी पूछा जा रहा है what number कौन सा number, what percentage कितनी percentage है। तो हर जगह पर ये तीन aspects आ रहे हैं। अच्छा अब क्या करें, और इसके आगे मैंने आज आपसे को 8 से 9 क्वेश्चन इसी तरह से ही डिस्कस करने हैं। आप ना इसको एक नोटेशन की फॉर्म में लिख लें, और वो जो नोटेशन फिक्स नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो काफी आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। नोटेशन मैंने लिखी हुई है, ये एक चीज आप फर्ज करें एक सेंटेंस समझ लें, आप याद कर लें, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज जी। ये सेंटेंस आपने याद कर दिया। देखें इसमें x अननोन है, y अननोन है, z अननोन है, तो तीन अननोन हो गए ना। इसमें नीचे भी मैंने तीन ही क्वेश्चन किए। इसका मतलब अब एक्चुअली आपको मैं ये कह रहा हूं कि नीचे जो स्टेटमेंट मेंशन है किसी में आपसे x पूछा होगा, किसी में आपसे y पूछा होगा, और किसी में आपसे z पूछा होगा। अब जरा हर क्वेश्चन की देखें कि चूंकि ये टोटल तीन अननोन है, x एक y और एक z, और अब तीनों क्वेश्चन में नजर दौड़ाएं तो आपको दो दो इंफॉर्मेशन नजर आ रही हैं। देखें अगर फर्स्ट की बात करें तो 45 और 200, इसकी बात करें 90 और 45%, इसकी बात करें 90 और 200। इसका मतलब है कि दो दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, एक एक इसमें मिसिंग है और तीनों में डिफरेंट मिसिंग है। किसी में एक्स मिस है, किसी में वाई मिस है, किसी में जी मिस है। अब ये हमें सोचना है। अब एग्जामिनर नहीं आपको कहेगा फाइंड एक्स वाई जी, ये फार्मूला तो है ही नहीं। ये तो मैंने आपको कहा है कि ठीक है, एक चीज होती है ना आप किसी तरतीब से कोई चीज याद कर लेते हो, तो मैं कह रहा हूं आप जरा इसको ऐसे याद कर लें, x परसेंट ऑफ y इज z। अब इसी चीज को लिटिल बिट मैथमेटिक्स में कर ले। मैथमेटिक्स में जो ऑफ का वर्ड होता है, ऑफ का टू ऑफ फाइव, तो वो मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। तो मैंने ऑफ की ट्रांसलेशन जरा मैथमेटिक्स में कर दी। कहते ना 1/3, 1/3 तीसरा हिस्सा, किसका किसका तीसरा हिस्सा ना, ऑफ। फिर आप कहते हैं 8, 1/3 ऑफ 8, तो आप कहते हो 1/3 ऑफ कह रहे हैं, बट ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है ऑफ 8। क्लियर हो गया। तो ऑफ की जो ट्रांसलेशन वो मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर आपको कहूं एक्स, लिखें एक्स इज 5, तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 5 मैथ्स में, ठीक है ना। बी इज 2, तो आप लिखते हैं 2। तो इसकी ट्रांसलेशन आप कैसे करते हैं, इक्वल साइन के साथ। तो ये देखें ये मैंने इक्वल साइन के साथ की, यानी कि ऊपर की स्टेटमेंट आप समझ लें कि जरा मैंने थोड़ा इंग्लिश की फॉर्म में लिखी हुई है, और नीचे वाली स्टेटमेंट ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और इसकी जगह इक्वल, मैथमेटिक्स में हम इसी तरह से करते हैं। तो ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ गई। अच्छा अब आपने सबसे पहले जब अपना कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें समझ आनी चाहिए कि इसमें से मिसिंग क्या चीज है। एक्स मिसिंग है, वाई मिसिंग है, जी मिसिंग है, तो उस हिसाब से ही हमें आइडिया हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, व्हाट इज 45% ऑफ 200। मेरा ख्याल यहां तक तो है नहीं हमारे पास, बस वैल्यू पुट कर दे। 45% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 200,
व्हाट इज, ये मिसिंग है, तो इसमें एक्चुअली जी मिसिंग था। तो क्या आंसर आएगा 45% 200 का, ये क्वेश्चन था। मैंने जरा उसको थोड़ी सी तरतीब से बता दिया है कि आपने सेंटेंस याद किया हुआ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज जी, और वो पूछ रहा है व्हाट इज, यानी कि क्या है 45% ऑफ 200, तो आप फौरन कहेंगे जी मिसिंग है। जी मिसिंग का मतलब है कि आपको जी का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 45% याद है ना, परसेंटेज सिंबल हटाना है ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सके। तो परसेंटेज सिंबल मैंने रिमूव कर दिया एंड देन कैलकुलेशन परफॉर्म की और ये बन गया 90। मतलब क्या था, अगर 45% परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, अगर 100 में 45 है तो 200 में डबल हो गया, तो डबल 90 नंबर हो गए उसके। तो ये एक पहला क्वेश्चन हमने डील कर लिया, एक्सप्रेशन लिखी, फिर इस चीज को नोट किया कि इसमें मिसिंग क्या था, एक्स मिसिंग था, वाई मिसिंग था, जी मिसिंग था। एक्स परसेंट किसका परसेंट, आप कहेंगे वाई का, वाई क्या चीज होगी, टोटल कुछ होगा, इस जी, जी क्या होगा जी, उसका आंसर क्या आएगा, ऐसा कह ले। तो 45% किसका जी, 200 का, ओके, इज 90। अब जरा बी पढ़े, 90 इज 45% ऑफ, आगे आना चाहिए था नंबर किसका, और वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि इस दफा वाई मिसिंग है। 45% ऑफ कोई नंबर होना चाहिए था ना, जिसका आंसर 90 है, 90 इज, 90 इज 45% ऑफ, आपके जी आगे नंबर कोई बताएं, वो कह रहा आप बताओ किस नंबर का 45% 90 बन जाता है, किस परसेंट का 45% 90 बनता है। फर्ज करें अगर आपके बिजनेस में कह दिया कि यार एक शख्स है उसने 90 रुपए टैक्स दिया है, 45% टैक्स रेट था, उसकी इनकम कितनी थी, 45% ऑफ इनकम, टैक्स रेट उसका 90 रुपए बना है, 45% उसने टैक्स देना था, इनकम का 45%, पता नहीं इनकम कितनी थी, पता चल जाएगा इनकम कितनी है। तो 45% ऑफ, और मैंने जो कि टोटल को वाई कहा तो मैं कह देता हूं इसमें वाई चीज मिसिंग है, इस 90। अब वाई को दूसरी साइड पे, परसेंटेज को दूसरी साइड पे ले जाएं, रिमेंबर परसेंटेज सिंबल साथ लगा हुआ है, आप इसको कैलकुलेशन में नहीं कर सकते जब तक आप परसेंटेज सिंबल रिमूव नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है, या आप इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो आप कहेंगे जी ये देखें ये डेसिमल खत्म हो गया, देन 45 2s are 90 एंड देन बिकम्स 100 200। तो आप कहेंगे 200 का जो 45% है वो आपके पास 90 बनता है। तो पहले एक्सप्रेशन और फिर उस एक्सप्रेशन में से मिसिंग फैक्टर कि जी अब आपने क्या मालूम कर, थर्ड वन, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, कहता जी उसके 90 नंबर आए हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 200 क्या बनता है, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, इसका मतलब एक्स मिसिंग है ऑफ 200, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 200 90 इज एक्स परसेंट, ये वही चीज है जो आप करते हैं, 90 इज अ मार्क्स ऑब्टेन या पार्ट कह दे ओवर 200 है ना, मैंने वो फार्मूला सॉल्व किया है, और क्योंकि आपने आंसर के साथ परसेंटेज लगानी है, ये तो मैंने लिखी हुई है, तो परसेंटेज लगाने की कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई विद 100, अब आप परसेंटेज जरूर लगा सकते हो एंड देन इट बिकम्स 45%। तो जी 45%, तो ये 45%, तो तीन क्वेश्चन हो गए ना, और आप समझ लें कि जो लास्ट वन थे, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको पहले का भी नहीं पता, लेकिन मैंने बहरहाल आपको एक सिस्टमैटिक वे बता दिया कि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या मिसिंग है, परसेंटेज मिसिंग है, किसका परसेंटेज लेना है, यानी कि टोटल मिसिंग है, जी मिसिंग है, कि इस परसेंटेज का जब लेंगे तो आंसर क्या आएगा, इस क्या आएगा, तो वो चीज मिसिंग है। तो आई थिंक सो कि आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, और अभी मैं, अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो तो इन 5 क्वेश्चन के बाद आपने मुझसे करना है, यानी कि मैं अगले 5 क्वेश्चन 5 एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद आप मुझसे प्रॉब्लम करेंगे, पूछेंगे मुझसे कि जी आप क्या कहना चाहते हैं, या हम लोग कंफ्यूज हैं, क्यों, हो सकता है जो चीज आप थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर रहे हो
मैं अगले 3-4 क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूं। लेकिन इसमें मैंने 5 एग्जांपल की बात की है, एग्जांपल मैंने आपसे एक शेयर करनी है, 4 आपका होमवर्क एग्जांपल है। देखिए काम मैथमेटिक्स, मैं कहता हूं द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। करें, देखें ना, समझे ना, 200 सवाल समझने से बेहतर है कि 2 सवाल खुद करने की कोशिश करें। कुछ 2-4-6-10% ही चीज चले समझ आए, दैट्स वेरी गुड। कल बच्चों ने किया, उसने कहा जी देखें ये आपने आंसर ठीक है, मुझे आइडिया था कि एक आंसर गलत है, वेरी गुड। उसने एक उसके कंफ्यूजन चल रही थी कि जी ये तो 96 तो टैग फिश तो मालूम है, तो मैंने भी तो उसको नोन वाली चीज में ही रखा, बिल्कुल सही है। एक को कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या हमें एग्जामिनर रेशियो प्रोपोर्शन देगा, तो मैंने कहा क्यों देगा, प्रोसीजर समझाया, टूल समझाया, वो अब आपने बताना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कौन सी टेक्निक या कौन सा टूल अप्लाई होगा, ये कौन क्वेश्चन करेगा जो पढ़ेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी एफर्ट तो करें ना बजाय इसके। और ये मैं आपको बोल दूं कि अगर आप इसे कहेंगे ना कल पढ़ लेंगे, संडे को पढ़ लेंगे, अभी बिजी हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई कनेक्टिविटी नहीं है इंग्लिश का। वो बल्कि आपके खटाना साहब से मेरा जिक्र हो रहा था तो मेरी क्लास स्टार्ट होने लगी तो वो तो मैंने कहा सर आप अपना ना कंप्लीट कर लें, वो फिर मिसिंग हो जाती है। वो कहते हैं जी इंग्लिश जहां मर्जी छोड़ दे, जहां मर्जी शुरू कर ले, हमारा कोई कट पॉइंट नहीं होता। लेकिन मैथ्स में ऐसा है, फर्ज करो आज आप मुझसे ये परसेंटेज के नहीं सवाल टॉपिक समझ रहे, तो फिर तो अगले 2 लेक्चर गए आपके। बल्कि जहां जहां परसेंटेज आनी है उसने आपको तंगी करना है, क्यों, आपने प्रॉपरली नहीं समझा या समझा घर जाके नहीं उसकी प्रैक्टिस की, तो ये एक ही बात चले जाती है, नहीं पढ़ा, बिल्कुल वॉश हो जाता है और फिर वो उसी तरह से आप रह जाते हो। अच्छा जी, अच्छा एक इसमें जो चीज मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है x परसेंट ऑफ y इज z, ये जो 2 है x परसेंट और z, ये आपस में कनेक्ट है, बस ये ठीक तरह लिख लें ना आप तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब क्या बोल रहा हूं, कनेक्ट है, इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है? अगर आपके पास में फर्ज करें x को क्या, ये x क्या है, अगर मैं आपको ये कह दूं परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, होता है ना कितने परसेंट नंबर चाहिए पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स, तो आपके पास z होना चाहिए नंबर उसका, परसेंटेज का बस वर्ड हटा दिया करें, और वहां था वर्ड क्या था परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, और उसकी बजाय मैंने क्वांटिटी लिख दी, नंबर लिख दिया, नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए, 40, 50, 60, 65, कितने नंबर हमें पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। अगर मैं कह दूं परसेंटेज ऑफ इनकम तो वहां आ जाएगी टोटल इनकम, जो अमाउंट ऑफ इनकम कह दें, अमाउंट ऑफ इनकम से मुराद उसकी क्वांटिटी कितनी है, 10,000। अगर मैं कहता हूं परसेंटेज ऑफ टैक्स तो वहां आ जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर मैं कहूंगा 5% टैक्स तो वहां पर आपको होना चाहिए कितना टैक्स था, ये 10,000 था, 8,000 था, तो यहां उसी देखें क्या है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, यहां क्या वर्ड है परसेंटेज का वर्ड मैंने रिप्लेस किया, बस ये मैं बोल रहा हूं कि ये कनेक्शन होना चाहिए। अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो मेरा अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैं यही क्वेश्चन डेवलप करूंगा, वही चीज एक्स में परसेंटेज फॉर्म में होगी और एग्जैक्टली वही चीज जी में, वही चीज का नंबर मेरे पास होगा। तो चलें अब अगला अपना एक प्रॉब्लम करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे नहीं, आप एक प्रॉब्लम मुझसे समझ लें, ठीक है ना, समझ लें और बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। देखिए ना आप में इंटरेस्ट भी डेवलप होगी, और चले जी बाकी अगर आपके फेलोज कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो आपको मैंने सिर्फ एग्जांपल 18 समझानी है, बाकी आपने करनी है। इसमें 19 देखे मैंने सॉल्व की हुई है और 20 देखे मैंने सॉल्व नहीं की, सिर्फ आंसर आपको ऑप्शन दी हुई है जिस तरह से आपके एग्जाम के एमसीक्यूज आता है, ठीक। तो ये वो लेवल होगा जो मैंने कल लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये सेकेंड लेवल है जिसमें आपने सॉल्व एग्जांपल देखनी है, और ये थर्ड लेवल है जिसमें आपने आके अनसीन है, यानी कि ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन कहा गया कि ऊपर 2 चीजें आपने, पहली आपको टीचर ने समझाई, दूसरी आपने खुद समझी, और अब तीसरी जो है वो आपने खुद ही सारा कुछ डिसाइड करना है कि किस तरह से करेंगे। मैं डिस्कस करूंगा, मैं ये नहीं है कि आप कर ली बट ठीक है, लेकिन इवन देन मैं डिस्कस करूंगा। अब जरा पहली एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अली गेव
20% ऑफ हिज कार्ड्स, पता नहीं कितने हैं, थोड़ा सा समझ आ गया कि 20% ये एक्स है, ऑफ मल्टीप्लाई कार्ड्स पता नहीं, ये वाई शायद कह रहा है, हाँ कुछ ऐसा ही है। अली गेव 20% ऑफ हिज कार्ड्स टू जमील एंड 15% ज़हरा कार्ड्स का ही टू शकील। उसके पास टोटल कार्ड्स कितने थे ये मेंशन नहीं है, बताया जा रहा है कि 20% कार्ड उसने जो है वो जमील को दे दिए और 15% कार्ड उसने शकील को दे दिए। इफ ही स्टिल हैड 520 कार्ड्स, स्टिल हैड अभी भी हैं, ये टोटल कार्ड नहीं है, ये कौन से कार्ड है, लेफ्ट कार्ड्स हैं, जो उसके पास कुछ कार्ड थे, 20% उसने एक को दे दिए, 15% उसने शकील को दे दिए और बाकी उसके पास 520 कार्ड स्टिल लेफ्ट हैं, बच गए हैं। इसका मतलब उसके पास टोटल कार्ड्स ज्यादा होंगे ना, देने के बाद भी 520 उसके पास स्टिल अवेलेबल है। क्वेश्चन, हाउ मेनी डिड ही हैव ओरिजिनली, उसके पास कार्ड थे कितने, ये क्वेश्चन है। अब देखें अगेन, मैं मतलब थोड़ा सा आपको बोल दूं कि ये जो आपका होता है ना, ये आई कैप का स्टैंडर्ड जो है, बस आई कैप का स्टैंडर्ड यही है कि क्वेश्चन उसने वही करने हैं जो आपकी इंटर की या एफएससी की बुक के हैं, लेकिन करेगा थोड़ा डिफरेंट वे से, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट वे से, आप ताकि आप अपने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के साथ जो है वो आप लोग बता सको। अब देखिए, पहला काम तो आपने ये करा, अच्छा जी वो कोई परसेंटेज का जिक्र है तो टीचर ने हमें ये एक्सप्रेशन पढ़ाई हुई है, हम ये जरा, मैंने आपको कहा ना कि ये एक्स वाई जी जो है ये कोई फार्मूला में फिक्स नहीं है, ये मैंने ही बस समझ एक फार्मूला आपको दिया कि इस पैटर्न को फॉलो करें। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि इसमें से मालूम क्या करना है। उसने कहा था 20% ऑफ, हम तैयार हैं कि अगले उसके आ जाएगा कितने कार्ड थे, हिज कार्ड, और आखिर में पूछ रहा है कार्ड, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि इसमें जी मिसिंग है, तो जी फाइंड करना पड़ता, ठीक हो गया। तो ये पहला काम आपको होगा आइडेंटिफाई करना कि मिसिंग क्या, क्या परसेंटेज फाइंड करना मिसिंग है, या वैल्यू को फाइंड करना मिसिंग है, या टोटल फाइंड करना मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन में टोटल फाइंड करना मिसिंग है। अब जरा मेरी उस स्टेटमेंट को आपने जेन में रखना है कि ये दोनों मैच होने चाहिए, इस स्टेटमेंट को आपने जेन में रखना है। अब देखें 20% कार्ड क्या है, उसने दे दिए गेव, 15% कार्ड गेव, इसका मतलब है टोटल कार्ड जो दिए जा रहे हैं वो 35% है। अच्छा ये 35% किसका है, किसका परसेंटेज है, ये है गिवन परसेंटेज, गिवन परसेंटेज, और मैंने कहा था जी मैच होना चाहिए, ये है परसेंटेज गिव, तो यहां पर परसेंटेज का नंबर हटा दें तो लिख दें नंबर ऑफ कार्ड्स गिव, कितने कार्ड्स उसने दिए, मैच हो गया ना। वहां क्या था 35% क्या बनता है, 35% कार्ड्स गिवन है जो उसने दे दिए हैं, और मैंने कहा था एक्स और जी मैच होना चाहिए, चीज वही होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए, एक्स में वो इंफॉर्मेशन परसेंटेज और जी में वो इंफॉर्मेशन नंबर अमाउंट क्वांटिटी के हिसाब से कितने हैं। अब वहां पर था परसेंटेज ऑफ गिवन कार्ड, तो 35% कार्ड उसने दे दिए और यहां पर आना चाहिए नंबर ऑफ गिवन कार्ड, तो कितने कार्ड दिए उसने, 520, नहीं वो तो बचे हुए हैं, तो आप कहेंगे टोटल में से 520 माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा वो उसके नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन हो जाएंगे और हमारी ये वाली स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। भाई टोटल में से 520 कैसे माइनस करें, टोटल ही तो मालूम करना है, टोटल ही तो हमें रिक्वायर है, तो ये तो फिर नहीं आ रहा। परसेंटेज गिवन तो चले मालूम है और y मालूम करना है, तो एक्स जी, जब तक आपको एक्स जी मालूम नहीं होंगे आप y फाइंड नहीं कर सकते। तो आप कहें जी कि ओके फिर ठीक है, लेकिन साथ मैंने क्या कहा, जो छुड़, आप ये नहीं करेंगे उधर 35% लिख दें उधर 520 लिख दें, 35% है गिवन कार्ड और 520 है नंबर ऑफ लेफ्ट कार्ड, तो गड़बड़ हो गई। और आप कहें जी अच्छा हम जो है वो गिवन परसेंटेज तो वो तो नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर आप दूसरी साइड कोई एक चीज कर ले, ये क्या चीज है, ये 520 क्या है, नंबर ऑफ लेफ्ट कार्ड है, नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट है। अब इसको मैच कर ले, बात तो एक है, मैच करना है आपने, मैच आपने करना है एक्स जी को, वो कोई एक हो जाना चाहिए। अब आपके पास आना चाहिए परसेंटेज कार्ड्स लेफ्ट, उधर भी देखें वही है,
लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट है, यहां नंबर है और यहां क्या है परसेंटेज। अच्छा क्या ये बता सकते हैं कितने परसेंट कार्ड बच गए? 35% कार्ड दे गए, इसका क्या मतलब है? अभी पढ़कर आए हैं 35% क्या मतलब? आउट ऑफ 100 तो कितने बच गए हैं? 35% दे दिए हैं, 65% तो फिर तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि यहां पर आप कह दें कि 65% कार्ड उसने दिए हैं, सॉरी लेफ्ट है, किसका? 65% टोटल का। और लेफ्ट कार्ड देखें, ये है परसेंटेज लेफ्ट और ये है लेफ्ट कार्ड, तो यहां से आपके पास टोटल कार्ड आ जाएंगे 520। परसेंटेज का सिंबल रिमूव कर दें ताकि हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें और ये 800 कार्ड आ गए। 800 इज द आंसर। तो ये देखें मैंने उसी एक्सप्रेशन को फॉलो किया। वो आप कहेंगे वाई क्यों लिख दिया, तो चूंकि मैंने वही पैटर्न रखा हुआ है कि जो परसेंटेज होगी वो एक्स, वो तो मिसिंग नहीं है, जो चीज मिसिंग थी टोटल कितने हाउ मैनी उसको मैंने वाई कह दिया, और जो आंसर था 520 वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। एंड देन वाई फाइंड करने के लिए 65% एक्चुअली दूसरी साइड पे गया था। अगर मैं उसको लिखूं, अच्छा से, और इस परसेंटेज सिंबल को अगर आपको रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.65 नाउ व्हिच बिकम्स 800। तो टोटल उसके पास 800 कार्ड्स थे। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि इन बच्चों इन क्वेश्चन को ना सिर्फ आपने करना नहीं है, समझना है, ना आए पेपर में एक भी ना आए आपने फिर भी इसको कम समझना है। मैं बार बार ये कर रहा हूं, मुझे क्यों एक्सपीरियंस है, मतलब देखिए जो टीचर होते हैं ना जो ज्यादा देर से, जैसे एक डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है उसका फायदा ये होता है कि समटाइम ऑफ बच्चे की मरीज की शक्ल देख के बता देता है यार तुझे ये प्रॉब्लम है, टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, लाइक दिस वन, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल, मतलब एक मुझे याद है आजकल जो कोरोना हो रहा है, तो हमारा मेरा भाई था तो उसको शक हुआ गई, तो वो डॉक्टर के पास गया तो किसी और इशू के लिए था, तो डॉक्टर कहता जी कि मुझे मुझे शक है कि आपको ना कोरोना है, ठीक है ना, अब टेस्ट कराओ। बहरहाल भाई ने वो जो स्वैब टेस्ट है वो लैब में दे आया एंड ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो नेगेटिव आया स्वैब टेस्ट, तो वो अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गया, कहता जी डॉक्टर साहब नहीं आपका अंदाजा ठीक नहीं था, तो मेरा तो स्वैब टेस्ट कोरोना का टेस्ट वो नेगेटिव है। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आल्दो तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें कोरोना हुआ था, हो चुका था, ठीक है ना। अब वो आपको पता ना ये कुछ 6-7 दिन के बाद तो वैसे ही नेगेटिव आ जाता है, तो उस वो कोरोना हो चुका हो इंसान को तो उसके लिए क्या लैदा टेस्ट है ना, जिसको वो एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो ये आपको बता देते हैं एंटीबॉडी टेस्ट के किसी स्टेज पर आपको वो हुआ था कि नहीं। उसकी अगर आप टेस्ट कराएं तो उसकी कट ऑफ वैल्यू 1.5 होती है। तो देन वो भाई ने फिर वो करवाया इसलिए कि क्या मुझे था, इसलिए, ठीक है ना, ताकि वो फिर थोड़ा सा प्रिकॉशनरी केयर करते हैं। देन उस टेस्ट ने कहा कि यस आपको था। अब देखिए वो टेस्ट तो चले हमने समझ ले अपनी तसल्ली के लिए कराया ना, करना उस टेस्ट ने करना तो कुछ नहीं है, डॉक्टर बस हुआ था गुजर गया बस ठीक है, तो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ना, वो ट्रीटमेंट जो थी वो तो हो गई, लेकिन उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस की बात मैं करने लगा हूं ना, वो कैसे आया होगा, उसने तुक्का तो नहीं लगाया होगा, उसने उसके कोई फिजिकल सिम्टम्स कोई उसकी 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 आंखों की कोई कंडीशन या उसकी कोई स्किन की कोई रंगत व्हाटसोएवर जो भी उसका एक्सपीरियंस तो बता दिया। मैं बिल्कुल आपको यही बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं फिर अपने एक्सपीरियंस पे, कि मेरे पास अगले लेवल के बच्चे वापस आते हैं कि जी वो आपने फलां फलां जो हमें समझाया था उस वक्त तो हमने वो रटा रुटा लगा के कर दिया, लेकिन अब हमें पूरे कोर्स में यही बड़ी प्रॉब्लम आ रही, टीचर कभी कहता डिवाइड कर दें, कभी कहता जी इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते, कहता सर हम इसी कंफ्यूजन में लगे रहते हैं। तो मैं उनको दोबारा यही नोट्स पढ़ाता हूं, मैंने कहा पढ़ाना मुझे यही आता है बस, मुझे नहीं पता आपके फाइनेंस प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बाद वो वापस जाके कहते हैं हाँ सर अब हमें जाके क्लियर हुआ कि 3 इसमें मिसिंग चीजें होती हैं, हम बस वो याद भूल गया, वो एक ही है जी परसेंटेज तो बस यही होती है, तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने इसको करना, ठीक है जी। अब आपकी जो जॉब है वो है एग्जाम्पल नंबर 19 एज अ होमवर्क सॉल्व है, सिर्फ देखना है क्या है, बस एक चीज की केयर कर, यानी कि हिंट कर रहा हूं, पहले अननोन आइडेंटिफाई कर लें एक्स वाई जी में से क्या फाइंड करना है, और फिर एक्स की जो परसेंटेज है उसकी जो भी परसेंटेज होगी अगर गिवन है लेफ्ट ओवर है तो जी में वही चीज क्वांटिटी या नंबर में आ जाए।
20 बिल्कुल अनसॉल्वड है, आंसर ए बी सी डी दिए हुए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा ट्रू आंसर है। और एग्जांपल 23, आप समझ लें ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है, मैं इसको हिंट करूंगा और आप बाकी मैं सपोज करता हूं, बाकी जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सपोज करता हूं कि आपको करने चाहिए 19 और 20, क्योंकि ये 18 समझें और 19 20 करें, और 23 में आपको थोड़े से हिंट की जरूरत है। मैं आप डायरेक्टली हिंट, आप कहें जी कि आप तो क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है, जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट कर रहे हैं, तो आप इसको जरा घर बैठ के आराम से तसल्ली से सोचें, तो मैं यही बता रहा हूं। तो मैं हिंट क्या कर रहा हूं, फर्ज करें एक बच्चा है, वो किसी एग्जाम में उसने पेपर दिए है, और मैं उससे पूछता हूं कि हाँ भाई क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का, वो कहता है कि मैं जी 5 नंबर से फेल हो गया हूं, मैं 5 नंबर से फेल हो गया हूं। ओके, मैं पूछता हूं कि अच्छा भी तुम्हारे नंबर आए कितने हैं, उसने नहीं बताया कि पासिंग मार्क्स कितने थे, बस उतने ये कहा मैं 5 नंबर से फेल हो गया। उसने, मैंने उससे पूछा तुम्हारे नंबर आए कितने हैं, कहता जी मेरे 35 नंबर आए हैं। फौरन मुझे पता चल गया कि 40 वाला पास, ठीक है ना। उसने मुझे कहा कि मैं 5 नंबर से फेल हूं, नंबर मेरे 35 है, मैं अगर ये देखना चाहूं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, फौरन 40 है। एक को पूछा भी हाँ भी तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना, कहता यार शुक्र है बस 2 नंबरों से मैं पास हुआ। अच्छा 2 नंबरों से पास हुए, तुम्हारे नंबर आए कितने हैं, जी मेरे 52 आए हैं। फौरन मुझे पता चला 2 अगर नंबर मैं कम कर दूं, ये पासिंग मार्क 50 वाला पास था, उसके 52 आए हैं, तभी वो कह रहा है। ठीक, तो ये जरा मैंने एक हिंट दिया है, पता नहीं इसका क्या ताल्लुक है, बस इसको कंफ्यूजन में नहीं रखना कि जी इस क्वेश्चन से जो सर ने बातें की उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 23 में मेरे इसी हिंट का ही इसके साथ ताल्लुक है। वो देखिए लग रहा है ना, स्टूडेंट गेट्स 135 मार्क्स एंड देन पास्ड बाय 55 मार्क्स, बस उसी तरह की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया जी, ओके। अब कल जब हम अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे तो कोशिश किया करें मेरे साथ कम्युनिकेट करने की, ठीक है ना, मेरे साथ बातें करने की, मेरे साथ डिस्कशन करने की। आप हेजिटेट ना, आई नो कि ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, ना आप मुझे देख रहे हैं ना मैं आपको देख रहा हूँ, और आपका वो जो टीचर का फियर होता है, वो जो क्लास की हेजिटेशन होती है क्वेश्चन की कि जी बाकी स्टूडेंट क्या कहेंगे, हंसेंगे, ये इस तरह की बात, तो वो बिल्कुल ये चीजें यहाँ पर एलिमिनेट है, आप बड़ा फ्रीली मुझसे क्वेश्चन कर सकते। ठीक है जी, ये 5 मिनट 3-4 मिनट ये सेविंग में लेता है, वीडियो रिकॉर्ड होती है इसकी, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है जी।